देश, सारा विश्व इस वक्त कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। कई मौतें भी इससे हो रही हैं। जब हमने एक नज़र डाली तो इसमें देखा है कि कोमॉर्बिडिटी से भी लोग जो है कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। और इसमें एक अहम बात जो है वो ये है कि हार्ट डिसीज़ के पेशेंट जो है कोरोना से ग्रसित होकर इनकी मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं। एक मौका है इस कोरोना के पार्श्वभूमि पर भारत में, पूरे विश्व में हार्ट डे कल मनाया जा रहा है। और इस हार्ट डे के उपलक्ष्य में हार्ट के बारे में और इस बीमारी के बारे में अगर हम किसी एक्सपर्ट से जाने तो बात ही क्या होगी। हम कुछ समझ पाएंगे, खुद अपनी सुविधा हम सुरक्षा कर पाएंगे। तो किस तरह से हमें सुरक्षा करनी चाहिए, क्या साधन सामग्री हमें बचने के लिए उपलब्ध हैं, इसकी बात हम एक्सपर्ट से करते हैं। और आज हम जिस एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, चलिए सीधा मैं आपको उस एक्सपर्ट के पास में लेके चलता हूँ। हमारे साथ में आज यहाँ पर मौजूद है किंग्सवे हॉस्पिटल में HOD डॉक्टर शैलेंद्र गांजेवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। हार्ट डे की आपको भी शुभकामनाएं, पूरे विश्व को शुभकामनाएं। आप हार्ट से के एक्सपर्ट हैं, क्या आप बताना चाहेंगे सर, क्या स्थिति है इस वक्त? कल विश्व भर में वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट होने वाला है। हम देखते हैं कि दुनिया में नंबर वन कॉज ऑफ डेथ अभी भी हार्ट अटैक ही है। इसका कारण है कि ये जो बीमारी है हार्ट अटैक की, ये कोई पूर्व सूचना नहीं देती है। मरीज़ को कोई लक्षण नहीं होते और सडनली वो आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से अगर बचना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करना, खान पान में परहेज रखना, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहना, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। और एक विशिष्ट उम्र के बाद, जैसे 40 की उम्र के बाद, रेगुलरली हार्ट का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ECG, ट्रेडमिल टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, ये जो चीज़ें हम लोग हेल्थ चेकअप में करते हैं वो साल में एक बार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि नियमित चेकअप करें, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से दूर रहे, और एक अच्छी जीवन शैली का आप अपने जीवन में प्रयोग करें, ताकि उसको अगर आचरण करें, हमारे आचरण करें, ताकि हम लोग इससे दूर बचे रहे। डॉक्टर साहब, एक कहा जाता था पहले कि कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोई मोटापा है, ओबेसिटी ओबेस पेशेंट है, तो उन्हें ही हार्ट का डिसीज हो सकता है, या एक उम्र होने के बाद में 60-65 के बाद में इसका खतरा होता है। तो क्या ये सचमुच ऐसा है, या किसी भी वर्ग के व्यक्ति को हार्ट डिसीज हो सकती है? ये बात कुछ हद तक सही है। एक विशिष्ट उम्र के बाद, जैसे आदमियों में 55 के बाद, और लेडीज़ में आफ्टर द एज ऑफ मेनोपॉज, ये डिसीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। बट हम क्या देखते हैं आजकल कि भारत में युवाओं में ये तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसका मुख्य कारण है तंबाकू का सेवन, खर्रा का सेवन। विशेषतः विदर्भ में हम लोग देखते हैं कि युवा लोग खर्रा बहुत खाते हैं, और इससे ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और हम देखते हैं कि आज 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में लोग अटैक लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, जो हम अपेरेंटली देख रहे हैं कि कितनी सारी साधन सामग्री मौजूद है इलाज के लिए, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी यंत्र सामग्री यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जो डेथ रेशो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता नज़र आ रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? इसका मुख्य कारण एक है कि समय पे जांच न होना और समय पे ट्रीटमेंट न लेना पाना। बहुत पेशेंट क्या होता है कि जब उनके अटैक के लक्षण आते हैं, वो उसको एसिडिटी समझ के घर पे ही बैठते हैं, वो कुछ घर पे इलाज करेंगे, और जब चीज़ें हाथ से बाहर जाएगी तो फिर हमारे पास दौड़ेंगे। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर आपको लक्षण समझ में आ रहे हो अंजाना के, हार्ट अटैक के, तो तुरंत जो भी नज़दीक के डॉक्टर हैं उनके पास चले जाइए, एटलीस्ट ECG वगैरह करवाइए, जो भी बेसिक ट्रीटमेंट है वो करवाइए, और लगता है कि आगे कुछ करना है, जैसे एको, ट्रेडमिल टेस्ट, एंजियोग्राफी, फिर इन चीज़ों की तरफ जाइए। लेकिन अपने हार्ट बर्न या हार्ट के पेन को, चेस्ट पेन को, उसको एसिडिटी समझ के मत बैठना। जल्द से जल्द आप उसकी जांच करवाइए और उसके अनुसार ट्रीटमेंट करवाइए। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ लक्षण अगर आपको दिखाई देते तो उन लक्षणों के आपके ध्यान में आता ही आपने डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। कुछ विशेष लक्षण आप दर्शकों को बता पाएं? हार्ट अटैक के लक्षण को हम लोग अनजाना कहते हैं। अनजाना में क्या होता है कि जो दर्द होता है वो
लेफ्ट साइड में, छाती के लेफ्ट साइड में या छाती के बीच में हो सकता है, और ये जो दर्द है ये गले की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ जा सकता है। ये जो दर्द है उसके साथ बहुत सारे पसीना भी आएगा, घबराहट होगी, और ये जो है एपिसोडिक रहेगा, 10-15 मिनट रह के निकल जाएगा। इसके कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर रह सकते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने पर दर्द होना, कुछ वजन उठाने पर दर्द होना, ये इसके एग्रीवेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, और आराम करने पर दर्द कम हो जाना ये रिलीविंग फैक्टर हो सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एंजाइना। एंजाइना और एसिडिटी बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और काफ़ी लोग उसको गैस की ट्रबल या एसिडिटी समझ के ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके लक्षण एंजाइना जैसे है, तो तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह ले और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। मतलब आपने अज्यूम नहीं करके रखना है कि वो एसिडिटी का ही तकलीफ हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार समय निकल गया तो फिर देर हो सकती है। राइट राइट। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, और हमने देखा है कि हार्ट डिसीज से जो पेशेंट ग्रस्त थे वो डेथ रेशो की अगर हम बात करें तो उसमें हार्ट पेशेंट के डेथ रेशो ज़्यादा है, ऐसा क्यों, और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो कोरोना की महामारी है, इसमें एक चीज़ जो पाई गई है कि जब इन्फेक्शन होता है कोरोना का, तो शरीर के अंदर प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट यानी जो खून की गुटलियों का बनना ज़्यादा बन जाता है, और हमने देखा है कि जिसको कोविड हुआ है या जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं। अभी कल ही हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनकी उम्र 35 साल की उम्र थी, ना उनको शुगर था ना बीपी था, लेकिन कोविड होने के 14वें दिन पे उनको हार्ट अटैक आया। तो कोरोना जो है वो एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट है, जिसकी वजह से खून बनने की, गुटली बनने की प्रक्रिया ज़्यादा है, खून ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, इसलिए पेशेंट्स को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी ये प्रोटोकॉल बन गया है कि जो कोरोना के संक्रमित पेशेंट है उनको ब्लड थिनर की दवाइयाँ या इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ये चीज़ें ना हो, और जिनको ऑलरेडी हार्ट से प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में दोबारा प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि जो हार्ट के रोगी है उन्होंने तो कोरोना से बहुत ही दूर रहना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए, और आता भी है तो तुरंत एक्सपर्ट्स की राय लेके उसके अनुसार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। किंग्सवे में जैसे हार्ट पेशेंट है और आप यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर पेशेंट को मिलेगी? किंग्सवे अस्पताल में हमने जो स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप बनाया है, आप देख सकते हैं कि पीछे साइड में कैथलैब की मशीन है जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है। फिर जो रूटीन टेस्ट है जैसे ECG, ट्रेडमिल टेस्ट, एकोकार्डियोग्राफी, इन सभी चीज़ों के लिए हमने लेटेस्ट और एडवांस मशीन्स बनाई हैं। हमारी टीम जो है काफ़ी बड़ी टीम है और एक्सपर्ट्स की टीम है, और एज अ टीम हम लोग कोई भी पेशेंट का निर्णय लेते हैं कि उसको ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है। इतना ही नहीं, हमने बहुत सारे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पैकेजेस भी रोल आउट किए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम चाहते हैं कि आप जो है आपके हार्ट को इग्नोर ना करें। जो पैकेजेस में हमने बहुत ही किफ़ायतशील दामों में रखे हैं ताकि सामान्य आदमी भी यहाँ पे आके उसका जो चेकअप है वो करवा सके, और जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो आपकी करवा सके। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है स्थिति हम अगर मेडिकल के एस्पेक्ट से देखें तो पूरे विश्व की स्थिति और खासकर के भारत और जहाँ पे किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर की भी हालत थोड़ी सी जो है बिगड़ती जा रही है, ऐसे में एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल एक्सपर्ट, आप लोगों को क्या सलाह देंगे, क्या उनके साथ में आप संवाद करेंगे कि उन्होंने इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए? ये बहुत चिंता का विषय है कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्पेशली नागपुर में। पिछले 15 दिन में हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, और काफ़ी पेशेंट को तो बेड भी नहीं मिलते हैं टाइम पे, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिलती है टाइम पे, और यहाँ से वहाँ उनको भटकना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, और जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं वो भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में एडमिट हो रहे हैं, स्पेशली जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको शुगर है, बीपी है, ऑलरेडी जिनके हार्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल जाती है। तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि 3 चीज़ें बहुत सबसे ज़रूरी है। नंबर 1, मास्क
पहने रहना, किसी हालत में भी मास्क को हटाना नहीं है। दूसरी चीज़ स्वच्छता, यानी हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, हर 20 मिनट में हाथ को धोना है। और तीसरी चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग, यानी दो लोगों में कम 6 फीट का अंतर रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं घर के बाहर ना निकले, जो चीज़ें आप टेलीफोनिकली कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं वो चीज़ें कीजिए। कम से कम लोगों में मिलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। हम डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं इस बीमारी से, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो पेशेंट हम जिनको हम लोग बचा सकते हैं, जस्ट बिकॉज टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, वो पेशेंट काफ़ी डिटोरिएट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसका संक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, निश्चिंत रहिए कि अगर होता है कुछ तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन न आए इसके लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अभी समय है आपके पास, तो आप व्यायाम कीजिए, मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, साइकिलिंग कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए। तो इस जो आपको घर पे रेस्ट मिल रहा है उसका सदुपयोग कीजिए, फिज़िकली हेल्दी रहिए, अच्छा डाइट कीजिए और मानसिक तनाव से दूर रहिए जहाँ तक हो सकता है। ये मेरी आपकी सलाह रहेगी। डॉक्टर शैलेंद्र गांजेवार जी से हम बात कर रहे थे। कहते हैं अगर खोला होता दिल दोस्तों के पास में तो आज ना खोलना पड़ता डॉक्टर के पास भी, लेकिन अगर अभी ऐसी नौबत भी आती है तो डॉक्टर दोस्त हमारे पास में है। डॉक्टर शैलेंद्र गांजेवार किंग्सवे से हमारे साथ में बात कर रहे थे और इतने खूबसूरती से उन्होंने कहा कि कोरोना पैंडिक में भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। किंग्सवे हॉस्पिटल यहाँ पर है, डॉक्टर शैलेंद्र गांजेवार जी जो हैं वो भी हमारे दिल के दोस्त ही हैं। हार्ट डे के उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को हार्ट डे की शुभकामनाएं देते हुए, स्वस्थ रहने की कामना करते हुए इस वक्त हम विदा लेते हैं। ऐसी किसी चर्चा के साथ में फिर आपके शामिल होंगे। नमस्कार।